हेलो दोस्तों, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए पार्ट 7 यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके पार्ट 7 आपके बीच लाया हूं। दोस्तों, पिछले आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 6 हो गया है। आज आपके बीच पार्ट 7 लेकर आया हूं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है वह मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है किसमें निहित है? तो दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, किस देश के संविधान से ली गई है? रूस से संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, कुल संख्या आपका 11 है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो दोस्तों, किस समिति के? तो स्वर सिंह समिति के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो है वह नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।